हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं मूंगलेट। तो गाइस, ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक की रेसिपी है। तो गाइस, बहुत ही सिंपल और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो गाइस, जब आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होना कि क्या बनाया जाए नाश्ते में या शाम को, तो ये रेसिपी परफेक्ट है उसके लिए। तो यहाँ पर हमारे पास मूंग की दाल, जिसको मैंने 3 घंटे भिगो लिया था। अब इसको एक मिक्सर ग्राइंडर में हम डाल देंगे और बिल्कुल हल्का सा पानी डालकर इसका हम एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरह का पेस्ट हमें रेडी कर लेना है। इसको एक बोल में निकाल ले और बोल में हम डालेंगे कटा हुआ शिमला मिर्च, कद्दूकस किया हुआ गाजर और यहाँ पर हमारे पास कॉर्न। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 से 2 हरी मिर्च और इसमें डालेंगे कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, कटे हुए टमाटर और इसमें हम डाल रहे हैं नमक स्वाद के अनुसार। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर हल्दी का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डालें। और इसमें हम डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर। इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं बहुत हल्का सा, यहाँ पर ऐड करें बेकिंग सोडा। इन सबको मिला लेंगे अच्छी तरीके से, हम अच्छे से इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और ये जो हमारा मूंग दाल मूंगलेट का बैटर है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरह का बैटर हमारा होना चाहिए। अब एक पैन ले लेंगे जिसमें हम 2 चम्मच डालेंगे यहाँ पर बटर। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया बटर। बटर नहीं है तो आप घी भी डाल सकते हैं या आप नॉर्मल तेल में भी इसको बना सकते हैं। इसको आप डाल दें पैन में और पैन के बाद डालने के बाद इसको पलट ले और इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ बीट रूट और इसमें हम डाल रहे हैं कटा हुआ अदरक और इसमें डाल रहे हैं ऊपर से धनिया पत्ता। इसको पलट ले दोबारा से और हल्का हल्का बटर और या घी लगाकर इसको आप दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें। इसके बाद हम इसके ऊपर भी इस तरह से आप देख सकते हो देसी घी या बटर आप लगाएं और इसको आप हरी चटनी और इमली की चटनी या फिर नॉर्मल टमाटो सॉस, जिसके साथ भी आपको पसंद हो आप उसके साथ इसको सर्व करें और इसको इंजॉय करें। गाइस, बहुत ही इजी रेसिपी थी मूंगलेट की। होप आप सभी को पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक।